स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के इस चैनल में। और आज हम फिर से अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं, 5 वर्ड्स जो हम डेली कर रहे हैं उसको। तो शुरू करते हैं हमारे पहले वर्ड से। जो पहला वर्ड है वो है डिस्पाइज। इसकी जो प्रोनंसिएशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है डिस्पाइज। ओके, अब डिस्पाइज हम इस वर्ड को याद कैसे करेंगे? इसकी की क्या होगी? इसकी की होगी देश के अपाहिज। माने कि भी भारत देश में जो अपाहिज हैं उनको कह रहे हैं देश के अपाहिज। क्योंकि इसकी जो प्रोनंसिएशन है वो देश के अपाहिज से मिलती जुलती है, डेस्पाइज देश के अपाहिज, तो हम इसको इसी से रिलेट करके पढ़ेंगे। डेस्पाइज का मीनिंग होता है घृणा। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इस दोनों को रिलेट करके इन दोनों को याद करते हैं, की भी इसमें याद हो जाएगी और इसका मीनिंग भी हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल है देश के अपाहिजों से सरकार घृणा नहीं करती। तो यहां पर जो ये घृणा वर्ड भी आ गया, जो मीनिंग है, और देश के अपाहिज यहां पर की भी आ गई, तो इन दोनों को हम इस एग्जाम्पल के थ्रू याद कर सकते हैं। डेस्पाइज डेस्पाइज को हमने याद किया, देश के अपाइज जिसका मीनिंग होता है, डेस्पाइज का मीनिंग क्या होता है? घृणा। और हमने एग्जाम्पल के थ्रू इन दोनों को समझ लिया। नेक्स्ट वर्ड जो है बीकर। काफी ज्यादा इसकी जो प्रोनंसिएशन है वो पीकर आती है, बीकर। बीकर इसकी जो प्रोनंसिएशन है वो आप अगर ऐसे करो, बीकर की जगह पी लगा दो तो पीकर आ रही है। पीकर मतलब क्या पियेंगे? शराबी। तो जो लोग शराब पीते हैं तो वो करते क्या, उनको छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं। अब काफी बोलेंगे, नहीं सर क्या बात करते हो, पीकर तो लोग प्रेम मोहब्बत की बातें करते हैं। ऐसा नहीं होता, आप उनके घर पे जाके उनका हाल पूछ लीजिए, क्या होता है? प्यार मोहब्बत नहीं, कुछ और ही निकल रहा होता है वहां पे। तो बीकर जो है यानी पीकर, हमने इस वर्ड को इससे याद कर लिया। बीकर का मतलब होता है छोटी छोटी बात पर झगड़ना। तो इसको क्या करेंगे, शराब शराब पीकर लोग शराब पीकर लोग छोटी बात पर झगड़ते हैं। तो यहां पर पीकर की भी आ गई और छोटी बात पर झगड़ते हैं, तो यहां से लेके यहां तक इसका मीनिंग भी आ गया। दोनों को हमने ऐसे रिलेट कर लिया, बीकर पीकर छोटी बात पर झगड़ना। जो नेक्स्ट वर्ड है यह है ट्यूमल्ट। ट्यूमल्ट ट्यूमल्ट। अब ट्यूमल्ट जो है वो कहीं ना कहीं इसकी जो प्रोनंसिएशन है वो ऐसे है, तुम उलट। अभी मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू कराता हूँ। ट्यूमल्ट का मतलब होता है, ओह गलत गलत कर दिया, ये ट्यूमल्ट का मीनिंग नहीं होता। ट्यूमल्ट का मीनिंग यहां पर आना था, बाय चांस मैंने यहां लिख दिया। ट्यूमल्ट का मतलब कोलाहल शोर होता है, जब मैं इसको लिख रहा था तो गलत हो गया। तो ट्यूमल्ट यहां पर आएगा, क्या मतलब कि जो इसका मीनिंग है कोलाहल शोर होता है, तो ये कर लेना। ट्यूमल्ट का मीनिंग होता है, यहां पर मैं ऐसे लगा देता हूँ, ये है मीनिंग कोलाहल शोर, ये टेंजिबल का है, ये टेंजिबल का है। ट्यूमल्ट का मीनिंग होता है कोलाहल शोर शोर, और इसको हमने कैसे किया, तुम उलट। अब कोई आपका दोस्त है, आपने आपको बड़ी उम्मीदें थी यार, यार इसको पार्टी में लेके चलते हैं, बड़ा ही आराम से वो रहेगा, कोई भी ऐसी बचकाना हरकतें नहीं करेगा, शोर नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, बट वो तो भैया आपकी उम्मीद के उलट निकल गया। तो तुम उसे क्या कह रहे हो, तो यही कहोगे तुम उलट होकर, यानी तुम मेरी उम्मीदों से उलट होकर, तुम उलट होकर कोलाहल मचा रहे हो, कोलाहल मचा रहे हो। मचा रहे हो। तो कैसे किया हमने, ये जो ट्यूमल्ट है इसका मीनिंग है कोलाहल शोर, तो ये तुम उलट होकर उम्मीदों के, तुम उलट होकर क्या कर रहे हो, कोलाहल कोलाहल यानी शोर मचा रहे हो। जो नेक्स्ट वर्ड है ये है रिवर्टलाइज। रिवर्टलाइज इसकी प्रोनंसिएशन यहां लिख देता हूँ, रिवर्टलाइज रिवर्टलाइज। रिवर्टलाइज इस वर्ड को हम याद करेंगे, इसका मीनिंग होता है पुनर्जीवन। इस वर्ड को हम याद करेंगे रिवाइटल, जो आई थिंक सलमान खान रिवाइटल की एड किया करते थे, आजकल तो देखता नहीं हूँ रिवाइटल की, मैं कोई टीवी नहीं देखते मतलब अब तो।
पहले देखा करते थे, जब मैंने देखता था कि रिवाइटल नाम से एक जो है वो कोई गोली आती थी, ऐसा कुछ है, तो उसकी एड जो है वो सलमान खान क्या करते थे, और उस गोली खाकर भाई ऐसे पर प्रेजेंट करना अपने आप को कि बहुत ही पावर आ गई, तो ये ऐसा कुछ दिखाना मतलब कि जान आ जाती थी, बूढ़े लोग खाते होंगे शायद ऐसा, आई थिंक मुझे लगता है ऐसा। तो रिवाइटलाइज का मतलब होता है पुनर्जीवन, तो रिवाइटल खाकर क्या सोचते हैं कि सलमान खान काफी एज हो गए, तो उनको लगता है कि यार अब जो रिवाइटल के भरोसे ही चलना पड़ेगा, तो उन काफी सारे लोग ऐसा करते भी होंगे, आई डोंट नो कि भी ऐसा होता है कि उसमें पावर होती है क्या होता है, आई डोंट नो, मैंने उसके बारे में इतना पढ़ा नहीं है, बस इसके बारे में सुनी थी, वो ऐड आती है कि रिवाइटल ऐसे कैप्सूल होते हैं, तो इसको हम रिवाइटल से याद करेंगे, रिवाइटल रिवाइटल कैप्सूल खाकर, रिवाइटल कैप्सूल खाकर उसका पुनर्जीवन हो गया, पुनर्जीवन हो गया यानी फिर से उसके पास जान आ गई, ताकत आ गई। ओके, रिवाइटलाइज हमने कर लिया। जो लास्ट वर्ड है इस वीडियो का वो है टेंजिबल। ओके, टेंजिबल इस वर्ड को हम याद करेंगे, देखो टेंजिबल का मीनिंग ऊपर वाला है, स्पष्ट वाला मैं फिर से बता देता हूँ, ये गड़बड़ से मैंने लिख दिया, जब मैं खुद टाइप करता हूँ ये सारी चीजें मुझे लिखनी होती है, तो बाई चांस ये ऊपर नीचे हो गया। दरअसल क्या था, हुआ क्या, ये जो ट्यूमल्ट था इसका मीनिंग मैं सबसे पहले मतलब इसकी जगह मैं इसका मीनिंग लिख गया, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख रहा था, तो उसको अप एंड डाउन करने में ये नीचे कर दिया, ये ऊपर लिख दिया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैं चलो कोई ना बन गई जो वीडियो बीच में, तो क्या ही रोकें इस चीज को, तो यहाँ पर बता देते हैं आपको, तो काफी ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं करनी है, वापिस आते हैं टेंजिबल के ऊपर। जो टेंजिबल का मीनिंग होता है स्पष्ट, इसको आप टेंजिबल को, अच्छा इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखनी है यहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी प्रोनाउंसिएशन, टेंजिबल टेंजिबल, इसको आप याद करिए तानजी, वो तानसेन होते हैं ना, तानसेन आप उससे याद कर लीजिए तानजी, तो ऐसे करिए टेंजिबल तानजी, तो कि एक जैसे लगते हैं, तो ऐसा करना, इसको कैसे करेंगे, तानजी बहुत स्पष्ट गाते हैं, गाते थे। ओके, तो क्या इसका मतलब क्या आता है, टेंजिबल टेंजिबल का मतलब स्पष्ट, हमने वर्ड किसको कैसे किया, तांजी से, और क्या हमने इसकी एग्जाम्पल के थ्रू समझा, तांजी बहुत स्पष्ट गाते थे। एक बार फिर से इन पांच वर्ड को एक बार रिवाइज कर लेते हैं विद ट्रिक के साथ, फिर एग्जाम्पल भी देख लेंगे। डेस्पाइज, डेस्पाइज को हमने किया देश के पाइज, और देश के पाइज से सरकार घृणा नहीं करती है। बीकर, इसको हमने याद किया पीकर, इसका मतलब होता है छोटी छोटी बात पर झगड़ना, तो जो लोग पीते हैं वो क्या करते हैं, वो छोटी बात पर झगड़ते हैं। फिर हमने वर्ड देखा ट्यूमल्ट, ट्यूमल्ट को हमने किया तुम उलट, यानी इसका मतलब होता है कोलाहल शोर, हम किसी दोस्त को लेकर गए पार्टी में और वो उलट, हमने तो कुछ अच्छा सोच के लेके गए थे, उसको समझदार समझ के लेके गए थे, लेकिन वो तो भैया हमारी उम्मीदों से उलट होकर वहां पर शोर मचा रहा है, कोलाहल कर रहा है। रिवाइटलाइज, जो सलमान का रिवाइटल के कैप्सूल की ऐड किया करते थे, हमने उससे किया रिवाइटल से, रिवाइटल खाकर क्या हो जाती थी, जान हो जाती थी, जैसे ऐड में दिखाया जाता था। टेंजिबल, टेंजिबल को हमने किया तांजी, तांजी कैसा गाते थे, बहुत स्पष्ट गाते थे, इसका मीनिंग क्या होता है स्पष्ट। ओके, आई होप सो आप लोगों को ये पांचों वर्ड अच्छे से याद हो गए होंगे, और आप इनको एक कॉपी में लिख भी रहे होंगे, इनकी जो है इनका वर्ड, फिर यहाँ पर उसकी प्रोनंसिएशन, फिर विद की, और फिर एग्जाम्पल, ये चीजें आप लिख भी रहे होंगे, इनके बकायदा आप नोट्स बना लीजिए, और जब आप देखिए एक बार रिवाइज कर लेंगे ना इनको, आप मैं कहता हूँ भूलोगे नहीं, क्योंकि हर एक के पीछे मेहनत हो रही है आपको रिवाइज करा, आपको याद कराने के लिए, वहां पर एक छोटी 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 कहानी बताई जा रही है, एक इमेज सेट की जा रही है, तो इमेज के थ्रू आप जब ये चीजों को करते हो तो भूलने के चांस ही नहीं रहते हैं। ओके, तो आई होप सो आप लोगों को अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी, वर्ड समझ में आए होंगे, और आपका अच्छे से यह सेशन जा भी रहा होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें दोनों ही, वीडियो को भी शेयर करिए और चैनल को भी शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन नहीं सॉरी उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखे हैं, टेलीग्राम का लिंक वहां पर मिल जाएगा, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पर बहुत सारी चीजें मटेरियल आप लोगों को वहां पर मिलता रहता है, तो आप वहां पर जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।